हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है क्लास थर्ड का चैप्टर 11 11 सी। इसी पिछली वीडियो में मैंने आपको 11 बी करवाया था, जिसमें मैंने कन्वर्जन एंड शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चन करवाए थे। आज मेरा आपका न्यू टॉपिक है मनी में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आपका टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दिया गिवन है एड, ये रुपीस का साइन है, 7.7 रुपीस 15 पैसे एंड 5 रुपीस 40 पैसे। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो आप एक तरफ तो रुपी लिख लीजिए और एक तरफ पैसे, रुपी के नीचे रुपी और पॉइंट के नीचे पॉइंट। सिंपली ऐड करना है, जैसे हम नॉर्मली ऐड एडिशन करते हैं वैसे ही करना है। तो 5 का 5 हो जाएगा, ऑलवेज हम राइट साइड से करते हैं, 4 और 1 5। ये तो था स्टूडेंट विदाउट कैरी, अगर कैरी भी आता है तो नो प्रॉब्लम, कैरी आता है तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें आ जाता है। 7 एंड 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। तो आपका आंसर कितना हुआ, 12 रुपीज 55 पैसे। वन मोर देखिए, एडिशन का ही है, एड ₹38.45 एंड ₹56.25। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक तरफ रुपीज और एक तरफ पैसे लिखेंगे, ठीक है, और इधर है ₹38.45 ₹56.25। सिंपली इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या था विदाउट रीग्रुपिंग था, यहाँ पर क्या है विद रीग्रुपिंग है। देखिए 5 और 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 10, 0 हो गया 1 कैरी के, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 8 और 6 को ऐड करेंगे आएगा आपका 14 का 4 यहाँ आ गया 1 कैरी के, 3 एंड 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 8 और 1 9, ये हो गया आपका ₹94.70। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट ₹44.25 फ्रॉम का मतलब होता है आपका सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट ना लिखा हो, खाली फ्रॉम लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, कंपेयर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में जो ग्रेटेस्ट डिजिट होती है वो अपर में आती है और जो लोएस्ट डिजिट होती है वो लोअर में आती है। तो यहाँ पर 44 और 68 रुपीज में हमारा 68 रुपीज इज ग्रेटर। तो एक तरफ रुपीज और पैसे जैसे हम कंटिन्यू कर रहे थे अभी एडिशन के साथ, वैसे ही करेंगे। 68 रुपीज 25 को अपर रखेंगे क्योंकि क्या है, ये ग्रेटेस्ट डिजिट है, और 44 रुपीज 25 पैसे को नीचे रखेंगे और सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 को 5 कैंसिल हो गया, 0 2 2 0। पॉइंट 8 में से 4 को कैंसिल करेंगे, 4 6 में से 4 को कैंसिल करेंगे आएगा 2। आपका आंसर कितना आया, 24 रुपीज। इसमें पैसे में अगर रुपीज में यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 शून्य लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाता है, ओनली 24 रुपीज। वन मोर देखिए, सब्ट्रैक्ट ₹36.50 यानी कि 50 पैसे फ्रॉम ₹98 है, इसमें कोई पैसे नहीं है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले कंपैरिजन करेंगे, जो ग्रेटेस्ट होगी उस डिजिट को ऊपर रखेंगे और जो लोएस्ट होगी इसको नीचे रखेंगे। तो 98 रुपीज इज हमारा ग्रेटेड अमाउंट है और 36 रुपीज 50 पैसे हमारा स्मॉलेस्ट अमाउंट है।
तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जीरो में से जीरो कैंसिल करेंगे तो जीरो आएगा, यहाँ जीरो है और यहाँ फाइव है। जीरो क्या है, लोएस्ट है, कम है, स्मॉलेस्ट है, तो इसे हम इसे कैरी लेंगे। कैरी लेने पे हो गया टेन, टेन में से फाइव कैंसिल करेंगे हो गया फाइव। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ क्या रह गया सेवन, सेवन में से सिक्स कैंसिल करेंगे वन, एंड नाइन में से थ्री को कैंसिल करेंगे आएगा आपका सिक्स। तो ये हो गया आपका 61 रुपीज 50 पैसे। तो हो गया स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आपके एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है। ये जैसे एग्जांपल थे आपके जो चैप्टर में है, एक्सरसाइज में है, उसको सॉल्व करते हैं। आपके फर्स्ट में है एड, इसका ए है रुपीज 15 10 पैसे एंड रुपीज 21 50 पैसे। इसे क्या करना है, हमारा ऐड है, तो सिंपली ऐड करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से है। जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, फाइव में वन ऐड करेंगे सिक्स, देन फाइव में अगेन पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगा दिया, फाइव एंड वन सिक्स, टू और वन थ्री। ये आपका आंसर कितना आया, 36 रुपीज 60 पैसे। बी देखिए, रुपीज 40 32 पैसे, रुपीज 19 40 पैसे, रुपीज 27.55 पैसे। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारी थ्री डिजिट हो गई, थ्री डिजिट उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे हम नॉर्मली हमने पहले ऐड किया था उसे वैसे ही ऐड करेंगे। टू में जीरो को ऐड करेंगे आएगा टू, क्योंकि किसी भी डिजिट में जीरो को ऐड करते हैं तो हमारी डिजिट क्या रह जाती है, नंबर इटसेल्फ। तो टू में जीरो ऐड करेंगे आएगा टू, टू और फाइव सेवन, थ्री में फोर ऐड करेंगे सेवन, सेवन में फाइव ऐड करेंगे आएगा आपका ट्वेल्व, ट्वेल्व का आ गया टू, वन का आ गया कैरी के, पॉइंट के नीचे पॉइंट। जीरो में नाइन ऐड करेंगे एज इट इज नाइन आएगा, नाइन में सेवन ऐड करेंगे आएगा आपका सिक्सटीन, सिक्सटीन में वन ऐड किया हमने कैरी का सेवनटीन, सेवनटीन का सेवन और वन कैरी के, फोर में वन फाइव, फाइव में टू ऐड करेंगे सेवन और वन एट। ये आपका आया रुपीज 87.27 पैसे। तो ये था आपका फर्स्ट में ऐड। इसके और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बट मैं आपको जस्ट जो इम्पोर्टेंट है वही करवाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बी देखते हैं, इसके बी में कौन से क्वेश्चन है। बी में आपको गिवन है अरेंज इन कॉलम एंड एड। जो आपका फर्स्ट में था उसको आपने अरेंज कर रखा था कॉलम में, बट आपको जो सेकंड जो क्वेश्चन गिवन है बी में, आपको इसको अरेंज करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है रुपीज 40 35 पैसे, रुपीज 57.28 पैसे एंड रुपीज 55 30 पैसे। ठीक है, इसको हमें अरेंज करना है एंड देन सॉल्व करना है, ऐड करना है। एक तरफ रुपीज लिखेंगे, एक तरफ पैसे, 40 35 57 पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 55 30। सो क्या करना है हमें, ऐड। ठीक है, इसे अरेंज करना है। कई बार स्टूडेंट हो सकता है कि आपका 5 रुपीज 30 पैसे आए तो आप 5 के नीचे यानी कि वंस के नीचे वंस ही रखेंगे, बट यहाँ पर हमारा 55 अरेंज करने में ध्यान से अरेंज करना। तो देखिए 5 में ऐड को ऐड करेंगे कितना आएगा 13, 13 का 3 1 कैरी के, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8 और 1 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 7 एंड 5 12, क्योंकि 0 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, इसलिए 12 हो गया 1 कैरी के, 4 एंड 5 9, 9 एंड 5 14 और 1 15। ये आपका आया 150 रुपीज यानी कि 152 रुपीज 93 पैसे। इसका वन मोड देखते हैं, इसके नीचे कर देती हूँ साइड में। सेकंड देखिए रुपीज 32.75
₹59.36 इसको ऐड करना है। जस्ट इससे पहले जस्ट अरेंज करेंगे रुपीज एंड पैसे 32.75 पैसे 59 रुपीज 36 पैसे। अब इसको ऐड करना है। यहाँ पर दो डिजिट है हमारी, हमने रुपीज का साइन ऊपर लगा दिया इसलिए आगे लगाने की जरूरत नहीं है। 5 में 6 ऐड करेंगे 11, 1 कैरी के 7 3 10 और 1 11 में 1 1 कैरी 9 में 2 ऐड किया 11 और 1 12 2 1 कैरी का 3 and 5 8 और 1 9 ये आपका आया 92 रुपीज 11 पैसे। नेक्स्ट देखेंगे सी है आपका, अरेंज करना आप देख लिए होगे आपने कितना इजी है, जस्ट सिंपली है। सी है आपका सबट्रैक्ट, तो उसको करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ₹48.58 पैसे, इसको करना है हमें सबट्रैक्ट। तो करेंगे सिंपली से 8 में से 5 को कैंसिल करेंगे 3, अब यहाँ 5 में से 3 को कैंसिल करेंगे 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 6 को कैंसिल किया 2, 4 में से 1 को कैंसिल किया 3, यह आ गया आपका ₹32.23। नेक्स्ट देखिए ₹115.35 एंड ₹80.78 पैसे, इसे भी करना है हमें सबट्रैक्ट। तो देखिए 5 इज स्मॉलेस्ट कैरी लेंगे 15 हो गया, 15 में से 8 कैंसिल करेंगे 7, अब यहाँ कितना रह गया 2, अब 2 इज अगेन स्मॉलेस्ट तो हम इसे कैरी लेंगे 12 हो गया, ये 12 में 7 कैंसिल करेंगे 5, यहाँ कितना रह गया 4 क्योंकि इसने इसको कैरी दिया था, तो 4 में से 0 कैंसिल करेंगे तो 4, अब यहाँ 1 है 8 है ये पूरा ले लेंगे हम, 11 में से 8 गया 3, तो आपका आंसर कितना आया ₹34.57। नेक्स्ट देखते हैं आपका डी में क्या है। डी में है अरेंज इन कॉलम एंड सबट्रैक्ट, जो आपका बी में था अरेंज करना था एंड देन ऐड करना था उसी का जस्ट अपोजिट है, अब हमें कॉलम में अरेंज करना है सबट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट देखिए ₹16.55 फ्रॉम ₹35, जस्ट हमें इसमें कंपेयर करना होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एग्जांपल ही क्वेश्चन करवाए थे कि जब भी ऐसे लिखा हो तो आपको जस्ट पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करना है जो अमाउंट जो रिसिट हमारी ये बड़ी होगी ग्रेटेस्ट होगी वो हम अपर में रखेंगे। तो यहाँ ₹35 इज हाईएस्ट, तो एक तरफ रुपीज और एक तरफ पैसे लिखेंगे और उसके नीचे ₹16.55 को सबट्रैक्ट करना है हमें, सिंपली इसको सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 0 इज स्मॉलेस्ट, ये भी 0 है, अब इससे लेंगे, इसने इसको दिया हो गया 10, इसने इसको दिया हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ रह गया 4 क्योंकि इसने इसको कैरी दिया था, अब यहाँ 4 इज अगेन स्मॉलेस्ट, अगेन कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा 8 और यहाँ कितना रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो आपका आया आंसर ₹18.45। सेकंड देखिए इसका ₹40.50 फ्रॉम 100 रुपीज, जस्ट यहाँ भी हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर, तो 40 रुपीज इज हाईएस्ट या 100 रुपीज, ऑफकोर्स 100 रुपीज इज हाईएस्ट, तो वन साइड रुपीज एंड वन साइड पैसे, यहाँ आ जाएगा रुपीज और यहाँ आ जाएगा पैसे, अब इसे क्या करना है हमें सबट्रैक्ट, 0 में से 0 कैंसिल करेंगे 0, ये इसको देगा ये इसको देगा इसको देगा, ये हो गया 10, फिर इसने इसको दिया ये हो गया 10, इसने इसको दिया इसको हो गया 10, 10 में से 5 गया 4,
जिसने इसको दे दिया तो यहाँ रह गया 9, 9 में से 0 करेंगे, अगेन यहाँ क्या हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, आपका आंसर कितना आया 59 रुपीज 40 पैसे। तो स्टूडेंट्स आपकी 11C एक्सरसाइज में इतना ही है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैंने सारे सॉल्व कराए हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।